स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आइए आज हम कहीं ना कहीं साइंस के बारे में डिस्कस करेंगे, और साइंस में वो टॉपिक जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, चाहे वो वन डे एग्ज़ाम हो, चाहे अभी हाल फिलहाल में आपने देखा हो कुछ आयोग के एग्ज़ाम में भी वहाँ से कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अपने आप में ये टॉपिक नो डाउट बहुत ही छोटा नज़र आता है, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चन अगर हम कहें तो यहाँ से बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। और उस टॉपिक का अगर हम नाम कहें तो वह टॉपिक आपका है कहीं ना कहीं विटामिन। विटामिन की अगर हम बात करें तो दो तीन चीज़ें आपने सुनी होगी, जिसमें विटामिन की बात होती है, जिसमें प्रोटीन की बात होती है, और जिसमें कहीं ना कहीं कार्बोहाइड्रेट की बात होती है। तो इनसे भी नॉर्मल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बताइए इसमें से किससे ऊर्जा प्राप्त होती है, किससे कहीं ना कहीं ग्रोथ होता है, और कहीं ना कहीं कौन सा बीमारियों से रिलेटेड है। तो अगर हम बात करें तो विटामिन उन्हीं सारी चीज़ों के लिए है, खासकर बीमारियों से ही रिलेटेड है, इसमें कोई दो राय नहीं है। विटामिन का ही जुड़ाव कहीं ना कहीं बीमारी टॉपिक से भी है, जो बीमारी के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। अगर तो विटामिन के सबसे पहले अगर हम बात करें खोजकर्ता, तो खोजकर्ता में नाम यहाँ पे नज़र आता है सीफंग। अब विटामिन से कहीं ना कहीं क्वेश्चन जो जनरली पूछे जाते हैं, कौन कौन से विटामिन जल में घुलनशील होते हैं और कौन कौन से विटामिन कहीं ना कहीं फैट वसा में घुलनशील होते हैं। अगर जनरली हम बात करें, अगर डॉक्टर के पास हम जाते हैं तो A to Z, A से लेकर Z तक कहीं ना कहीं विटामिन के बारे में विवरण दिया जाता है, लेकिन हमारे एग्जाम में जो क्वेश्चन पुटअप होते हैं A, B, C, D, E, K और B के सभी कॉम्प्लेक्स कहीं ना कहीं पुटअप किए जाते हैं। तो अगर हम यहाँ पे बात करें, एक टर्म हमने लिखा है जो आगे जब टॉपिक आप कहीं ना कहीं ब्लड के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ हम डिस्कस करेंगे, जिसमें एक टर्म आता है जिसको कहते हैं WBC या एक ब्लड का टर्म है जिसको व्हाइट ब्लड सेल्स कहते हैं, लेकिन W के आगे हम डैश कर दें और B and C, तो W का मतलब हो गया वाटर, और वाटर में जो विटामिन घुलनशील होता है वह है B और C। इसके अलावा जितने भी विटामिन के नाम आपने सुने हैं वो सभी के सभी अगर हम बात करें तो फैट में होते हैं, चाहे वो A हो, D हो, E हो एंड K हो। अब विटामिन से अगर हम कहें, ज़्यादातर हमारे एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो विटामिन के कहीं ना कहीं केमिकल नेम, रासायनिक नाम करके कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं। तो विटामिन के रासायनिक नाम कहीं ना कहीं हमें दो तरीके से जानने पड़ेंगे। एक तो विटामिन के रासायनिक नाम कहने का मतलब A, B, C, D, E और K, और दूसरी अगर हम बात करें तो बी कॉम्प्लेक्स के केमिकल नेम, क्योंकि बी कॉम्प्लेक्स अलग आपका बिल्कुल है। तो यहाँ पर अगर जनरली अगर ऐसे तो हम आपको बता दें कि विटामिन ए का ये होता है, बी का ये होता है, सी का ये होता है, डी का ये होता है, ई का ये, लेकिन ये दिमाग से कहीं ना कहीं उतर जाएगा। लेकिन अब आज वो समय भी नहीं है कि आप एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से एक एक विटामिन के बारे में पढ़ें, लेकिन ट्रिकी वे में अगर आप कहीं ना कहीं जानते रहेंगे तो ऑप्शन से बहुत आसानी से आप कहीं ना कहीं उस चीज़ को कैच कर सकते हैं कि हाँ ये इस विटामिन का केमिकल नेम है। तो विटामिन के केमिकल नेम में सबसे पहले अगर हम ट्रिक की बात करते हैं तो एक जनरली कहीं ना कहीं ये हर जगह आपको देखने को मिल जाता है, लेकिन ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, जिसको हम कहते हैं रथ एक टॉफी। इसकी अगर हम बात करें तो ये विटामिन ए का केमिकल नेम है, इसकी अगर हम बात करें तो ये बी का है, इसकी बात करें तो ये सी का है, इसकी बात करें तो ये डी का है, इसकी बात करें तो ई का है, और इसकी अगर हम बात करें तो ये के का है। विटामिन ए की अगर हम बात करें तो इसको हम यहाँ पर कहीं ना कहीं कहते हैं रेटिनॉल, जो जनरली आप जानते हैं। विटामिन बी की अगर हम बात करें तो इसको आप कहते हैं, जिसको हम कहते हैं थायमिन। विटामिन सी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आएगा, इसको हम कहेंगे एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन डी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर नज़र आएगा ये कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई की अगर हम बात करें तो यहाँ पर नज़र आएगा टोकोफेरॉल। विटामिन के की अगर हम बात करें तो यहाँ कोडिंग के हिसाब से आएगा आपका फ्लेक्यूनोन, जिसे नेफ्थाक्विनोन भी कहते हैं, लेकिन फ्लेक्यूनोन जो सबसे ज़्यादा पूछा भी जाता है और कोडिंग के आधार पे है। तो ये सारे के सारे विटामिन के केमिकल नेम है, लेकिन जस्ट इसके बगल अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक टर्म हमने आपके सामने लिखा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स केमिकल नेम की बात करें तो जैसे आप यूपी में आप वर्ड जैसे सुनते होंगे थोड़ा, लेकिन थोड़ा सा बिहार में जाएं या थोड़ा सा पूर्वांचल में होते जाएं
तोड़ा जो है वो रा में कन्वर्जन होने लगता है, जिसे कई बार बिहार के लोगों से कहा जाता है कि कहिए घोड़ा सड़क पे दौड़ता है, तोड़ा का उच्चारण कहीं ना कहीं हमेशा वो रा में करते हैं। तो ऐसे थोड़ा एक वर्ड हम लिख रहे हैं, लेकिन वही बिहार की लैंग्वेज में अगर हम कहें तो हमने लिख दिया थोड़ा थोड़ा, आगे हमने यहाँ पे लिख दिया न्यू। आगे अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमने लिया पैंट, आगे पर, और आगे हमने लिख दिया बसा, थोड़ा न्यू पैंट पर बसा। ये जो आपका है वही बी जो यहाँ आपने देखा था, इसको हम यहाँ पे कहेंगे B1। इसकी अगर हम बात करें तो ये B2, इसकी बात करें तो B3 एंड B4, इसकी बात करें तो B5, पर पूरा लेंगे जो हो जाएगा B6, इसकी अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा B7, और ये आपका हो जाएगा B11 एंड B12। दोनों के सेंस में इसको हम यूज कर सकते हैं। B1 की अगर हम बात करें तो ये तो वही हो जाएगा आपका, बोले तो टाइम ही। B2 की अगर हम बात करें तो ये आपका हो जाएगा राइबो फ्लेविन। B3 एंड B4 की अगर हम बात करें तो ये आपका हो जाएगा जिसको हम कहते हैं नियासिन, इसे नियासिन अथवा निकट नाइट भी कहते हैं, लेकिन नियासिन टर्म आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगा। B5 की अगर हम बात करें तो इसको हम कहते हैं पैंटो थेनिक, बोले तो एसिड। B6 ये जो पर लिखा हुआ है, इसकी अगर हम बात करें तो इसे कहेंगे पायरा, बोले तो डॉक्सिन। B7 की अगर हम बात करें तो B7 की कोडिंग को ऊपर लिख रहे हैं, जिसको अगर हम कहें तो यहाँ पे लिखते हैं बायोटीन। और B11 12 के सेंस में यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसका नामकरण जो है इसे कहा जाता है साइनो कोबला मीन, जिसमें कहीं ना कहीं क्वेश्चन ये भी पुट अप होते हैं कि कोबाल्ट किसमें पाया जाता है, तो B12 में कहीं ना कहीं कोबाल्ट पाए जाते हैं। अब ऐसा नहीं, आप भी कॉम्प्लेक्स में देखेंगे तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सर यहाँ पे B9 का नहीं है, जहाँ कहीं ना कहीं फॉलिक एसिड, वो सारे टर्म ये कोडिंग के आधार पर कहीं ना कहीं दिया हुआ टर्म है, क्योंकि एग्जाम जो निकलता है वह हमेशा ही हमेशा अगर हम कहें तो एलिमिनेट सिस्टम से निकलता है। एलिमिनेशन आपको करना ही पड़ेगा। इतना टर्म अगर आप जानते हैं और जो आपका पढ़ा हुआ उसमें टर्म नहीं अगर होता है, कुछ नज़र नहीं आता है, तो उस प्रकार से भी कहीं ना कहीं क्वेश्चन को आप आसानी से कर सकते हैं। तो आई थिंक अगर ये कोडिंग आप अपडेट कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं बी के कॉम्प्लेक्स या रासायनिक नाम, या दूसरा वर्ड यूज करें तो साइंटिफिक नेम भी बोल सकते हैं, साइंटिफिक नेम भी वर्ड यूज होता है, कि वैज्ञानिक नाम भी इसको हम कह सकते हैं कि वैज्ञानिक नाम होते हैं। अब इसके आगे जस्ट अगर हम कहें तो हम विटामिन के बारे में ये जानेंगे, किस विटामिन से कौन कौन से रोग होते हैं और कौन सा चीज़ ग्रहण किया जाए कि उस विटामिन के सोर्स कहीं ना कहीं हमें इजीली कहीं ना कहीं मिल जाए। तो इसके अब विटामिन के बारे में आगे कहीं ना कहीं आगे हम डिस्कस करेंगे, और अगली क्लास के लिए आप इंतज़ार करिए। टॉपिक बहुत सारे हैं, विटामिन तो एक छोटा सा कहीं ना कहीं टर्म है, लेकिन क्वेश्चन कैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं उसके बारे में हमें डिस्कस करना है, और विटामिन को पूरा का पूरा डेप्थ में हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम आपके अपने इस प्लेटफॉर्म पर, जहां पर हम लोग बातें करते हैं एग्जाम ओरिएंटेड। जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा, अभी सर ने आपके सामने एक टॉपिक डिस्कस किया बायोलॉजी के पार्ट पे, साइंस के पार्ट पे जो टॉपिक है आपका विटामिन, बायोलॉजी का टॉपिक है विटामिन। मैं आपको सर के बारे में बता दूँ, इंट्रोडक्शन दे दूँ। सर का नाम है अमित सिंह, अमित सर पढ़ाते हैं महिंद्रा, की बात करें महिंद्रास के बेस्ट फैकल्टी में गिने आते हैं, और इनका जो एक्सपीरियंस है टीचिंग के पार्ट पे मोर देन अबव की बात करें हम 7 ईयर एक्सपीरियंस है, 7 साल से अधिक हो गया महिंद्रा में पढ़ाते हुए। सर एक बेस्ट फैकल्टी हैं और आप लोगों को इस प्लेटफॉर्म पर साइंस डिस्कस करेंगे, बायोलॉजी का पार्ट हो, केमिस्ट्री का पार्ट हो, या फिजिक्स का पार्ट हो, डिस्कस करेंगे एसएससी के लेवल पे, और भी चीजें डिस्कस की जाएंगी। जैसे कि मैं मेरा प्रीवियस जो लेक्चर था इसी प्लेटफॉर्म पर, मॉनेटरी पॉलिसी डिस्कस कर रहा था मैं इकोनॉमी के पार्ट पे, और मैं कंप्यूटर का पार्ट डिस्कस कर रहा था, ठीक है, तो उसको मैं कंटिन्यू करूंगा। मॉनेटरी पॉलिसी ने मौद्रिक नीति का जो टॉपिक जहां तक मैंने डिस्कस किया है जिस पार्ट तक, उसको मैं आगे डिस्कस करूंगा, कंटिन्यू करूंगा, और कंप्यूटर का पार्ट जहां तक मैंने डिस्कस किया उसके आगे मैं डिस्कस करूंगा वो पार्ट। बाकी रीजनिंग और मैथ्स का पार्ट भी इसी प्लेटफॉर्म पे डिस्कस किया जाएगा। बने रहिए आप हमारे साथ इस प्लेटफॉर्म पर, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।